जाति क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर कलेक्टर्स को अर्जेंटली टेम्परेरी बेसिस पर डॉक्टर्स की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो नर्सेस की कमी भी जल्द दूर कर ली जाएगी। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने एसटी आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी। इस बैठक में उदयपुर में रेप विक्टिम के एफआईआर दर्ज नहीं होने पर एसीएस गृह ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। काया पंचायत समिति क्षेत्र में उज्ज्वला योजना के तहत एक भी कनेक्शन नहीं देने का मामला भी सामने आया, जिस पर सुधार के निर्देश दिए गए। तो एसटी से जुड़े आपराधिक मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए भी डायरेक्शंस दिए गए। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षक लगाने और बाकी मुद्दों पर भी बात हुई। और विशेष करके जनजातियों के द्वारा के लिए जो योजनाएं, जो प्रक्रिया, उनके प्रगति के लिए जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, उसका कार्यान्वयन किस तरह से हो रहा है, इसकी समीक्षा के लिए, इसको देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। और अनेक जगहों को देखने के बाद हमें लगा कि बहुत सारी योजनाएँ और बहुत सारी प्रक्रियाओं को सरकार ठीक तरह से संचालित कर रही है, कहीं कहीं कमियां भी, उसको भी हमने कहा है। कुछ गांव को भी हमने अलग से बैठक किया था और काया में एक पंचायत है, वहां हमने बैठक किया और वहां हमने पूछा कि आपके यहां जो उज्ज्वला योजना है वो कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला। तो लोगों एक भी नहीं थे कि वहां बताने वाले कि हमको नहीं मिला है, तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। जी काया उदयपुर जिले में काया में। इसी तरह शिक्षा की बात हुई, जैसा टीचर्स की कमी की बात हुई है, इसी के अलावा स्वास्थ्य में पैरामेडिकल और डॉक्टर्स दोनों की कमी की बात हुई, तो वहाँ पर हमने बताया अर्जेंट टेम्पररी बेसिस के ऊपर जो वहाँ पर डॉक्टर्स को रखने की व्यवस्था कलेक्टर के पास ही पावर है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक नर्सों की भर्ती का है, लगभग प्रक्रिया समाप्त हो गई है, शायद सितंबर के एंड तक उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा तो सारे पद भर जाएंगे।